आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस एक्चुअल में है क्या, और वर्डप्रेस का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, और वर्डप्रेस हमें क्यों चूज करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज के लेक्चर के अंदर हम बात करेंगे कि वर्डप्रेस एक्चुअल में है क्या, और वर्डप्रेस का कंप्लीट डिटेल एनालिसिस करेंगे, और वर्डप्रेस हमें क्यों चूज करना चाहिए। तो चलें इसके लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मज़ीद डिस्कस करते हैं। तो जी हाँ, हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, और यहाँ पे अगर मैं अपना ब्राउज़र आपके सामने शो करूँ तो यहाँ पे देखें हमारे दो मेजर टॉपिक्स हैं कि वर्डप्रेस क्या है और इसके बारे में बात करेंगे, और एक्चुअल में हमें वर्डप्रेस क्यों चूज करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज वर्डप्रेस एक्चुअली। तो वर्डप्रेस एक टूल है, ओपन सोर्स CMS है। बेसिकली CMS के बारे में मैं आपको बता दूं, CMS होता है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ओके, तो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, डिफरेंट कंटेंट को लेके उसको मैनेज करता है, एक फॉर्म, एक अच्छी फॉर्म में दिखाता है, ताकि जो यूज़र है उसको कंटेंट सॉर्टेड फॉर्म में मिले और इजी टू अंडरस्टैंड हो उसके लिए। अगर यहाँ पे आप डिफरेंट वेबसाइट्स को देखेंगे तो वहाँ पे भी जो जितने भी चीज़ें अवेलेबल हैं वो एक्चुअल में कंटेंट है। वो कंटेंट टेक्स्ट की फॉर्म में, इमेजेस की फॉर्म में, वीडियोस की फॉर्म में, ऑडियोज की फॉर्म में, तो वो एक अच्छे स्ट्रक्चर्ड वे के अंदर वहां पे नजर आता है, राइट। तो वर्डप्रेस एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है जो कि इस तरह के रॉ कंटेंट को लेता है जो भी हम उसको देते हैं, और उसको एक अच्छी फॉर्म के अंदर डिस्प्ले करता है फ्रंट एंड के ऊपर, राइट। तो वर्डप्रेस एक CMS है। ओके, तो अभी CMS के बारे में हमने थोड़ी सी बात की कि CMS एक्चुअल में क्या होता है, जो कंटेंट को मैनेज करता है, और वर्डप्रेस एक CMS है। वर्डप्रेस एक ओपन सोर्स टूल है, CMS टूल है, जिसको यूज करते हुए हम किसी भी तरह की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं, चाहे वो बिजनेस वेबसाइट हो, चाहे वो पर्सनल पोर्टफोलियो वेबसाइट हो, ई कॉमर्स वेबसाइट हो, आपको कोई चीज़ ऑनलाइन सेल आउट करनी है, चाहे वो कोर्सेज के लिए वेबसाइट हो, इवन यूडेमी की तरह आप वेबसाइट बना सकते हैं, दराज की तरह, अलीबाबा की तरह आप वेबसाइट वर्डप्रेस को यूज़ करते हुए इजीली बना सकते हैं। आपको इसके लिए कोई कोडिंग की नॉलेज नहीं होनी चाहिए, आप इवन जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप इस टूल को यूज़ करते हुए किसी भी तरह की वेबसाइट डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो गया होगा कि वर्डप्रेस क्या है, इसके ज़रिए हम क्या काम करने वाले हैं। ओके, अब हमारा जो दूसरा यहाँ पे टॉपिक है वो है हमारे पास कि हमें वर्डप्रेस क्यों चूज़ करना चाहिए, राइट। तो सबसे पहले रीज़न जो यहाँ पे हमने मैंने मेंशन की है वो ये है कि वर्डप्रेस कम्प्लीटली फ्री है, इसके लिए आपको किसी किस्म के पैसे नहीं देने पड़ते इस टूल को यूज़ करने के लिए, और ये ओपन सोर्स है। इवन आप अगर ओपन सोर्स का मतलब, अगर आप एक डिवेलपर हो और इसके अंदर मजीद कोड भी ऐड करना चाहते हो अपना, तो वो भी आप कर सकते हो, वर्डप्रेस को मजीद मॉडिफाई, मजीद एक्सटेंड कर सकते हो, राइट। उसके बाद वर्डप्रेस बहुत ज़्यादा इजी टू यूज़ है, इवन नॉन टेक्निकल पर्सन भी इसको इजीली यूज़ कर सकता है, और इसके ज़रिए हर किस्म की वेबसाइट डेवलप कर सकता है, जस्ट यूज़ ऑफ ड्रैग एंड ड्रॉप। जस्ट आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, उसके लिए आपको कोई कोड राइट करने की ज़रूरत नहीं है, कोई डाटाबेस मैनेजमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, राइट। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास तीसरी रीज़न है कि कम्प्लीटली कस्टमाइजेबल, किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। कस्टमाइजेशन के मुराद कि किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, चाहे जो आपकी डिज़ायर हो, राइट, अकॉर्डिंग टू योर विल, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट्स, आप किसी भी तरह की कस्टमाइजेशन अपनी वेबसाइट के अंदर कर सकते हैं। उसके बाद जो है SEO फ्रेंडली, ऑब्वियसली बात है आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली होनी चाहिए। अगर आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली नहीं है तो ऑब्वियसली बात है वो रैंक अच्छी नहीं करेगी गूगल के अंदर या अदर सर्च इंजन्स के अबाउट। SEO के अबाउट हम मजीद आगे डिटेल के अंदर बात करेंगे। तो फिफ्थ रीज़न है हमारे पास कम्प्लीटली सेफ एंड सिक्योर है, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं है कि आपकी वेबसाइट हैक हो जाएगी, जस्ट फ्यू प्लगइन्स को आप यूज़ करते हुए कम्प्लीटली सिक्योर कर सकते हैं अपनी वेबसाइट को। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे, वर्डप्रेस इज हेयर टू स्टे। ऑब्वियसली वर्डप्रेस एक इतना अच्छा टूल है, अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो पहले हमें कोडिंग करनी पड़ती थी कब तमाम तरह की वेबसाइट डेवलप करने के लिए, एक छोटी सी भी वेबसाइट हमें बनाने तो हमें कोडिंग करनी पड़ती थी, राइट। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट बना सकते हैं। तो अब आगे चल के मजीद ये चीज़ें और आसान हो जाएंगी, ना कि हमें वापस बैक कोड के अंदर जाना पड़ेगा, राइट। तो ये टूल मजीद और एडवांस होगा, और ये पिछले 10-15 सालों से चल रहा है, जो कि बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस दे रहा है, और आजकल ऑलमोस्ट ज़्यादातर वेबसाइट्स जो भी आपको देखने को मिल रही हैं वो वर्डप्रेस के अंदर होती हैं, राइट।
तो आई होप आपको समझ आ गई होगी कि वर्डप्रेस क्या है और वर्डप्रेस को हमें क्यों चूज करना चाहिए। आगे चल के हम बात करेंगे डिटेल के अंदर मजीद टॉपिक्स के ऊपर। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग। अल्लाह हाफिज़।